मेरे प्यारे भाइयों, उनकी बहनों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे आप सकते हैं फायर कैन के ब्लॉग। तो फिर स्वागत है आप लोग का मेरे कमाल के न्यू वीडियो का। भाई आपके लिए फिर से कमाल का ब्लॉग दोस्तों लेके आ चुके। जैसा कि दोस्तों आप लोग थंबनेल टाइटल में देख लिए कि हम लोग जो कोलकाता जा रहे हैं सामान वगैरह लेने के लिए, हम एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करने वाले। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, तो सारा कुछ दोस्तों आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले थे। चलिए गाइस, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बम हेलो गाइस, तो अभी हम लोग यहाँ पे, आपको जैसा कि पता है कि हम लोग डेली ब्लॉग्स वगैरह बनाते रहते, तो ये ब्लॉग दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। हम लोग एक न्यू शॉप जो ओपनिंग करने वाले थे, यहाँ हम यहाँ मनीष भैया दोनों मिलकर अभी जा रहे हैं दोस्तों हावड़ा। वहाँ पे क्या करेंगे सारा कुछ आप लोग को वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए पहले वहाँ जाते हैं, आप लोग को सारा कुछ दिखाते हैं। गाइस हम लोग यहाँ पे ट्रेन के जा चुके, आधा रास्ता आ चुके, तो अभी हम लोग जा रहे हैं हावड़ा, तो दिखाएंगे सारा कुछ। हम लोग यहाँ पे हावड़ा आ चुके हैं। फर्स्ट टाइम मेरा है जब मैं ट्रेन से आया, उससे पहले एक बार मैं कोलकाता आया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं एक्चुअली एक्सयूवी से हम लोग आए थे, मर्सिडीज का इंजन लेने के लिए। दूसरी बार मैं कोलकाता आया, वो भी बाय ट्रेन से आया। यहाँ पे देख रहे थे, मैं अभी ट्रेन से उतरा हूँ, अभी जाएंगे सारा कुछ दिखाएंगे आप लोग क्या क्या। कोलकाता वहाँ पर पीछे देख सकते हैं कि हावड़ा स्टेशन है। तो अभी हम लोग यहाँ पे हावड़ा ब्रिज पे आए, देख सकते हैं बहुत ही पुराना, बहुत ज़्यादा मजबूत ही हावड़ा ब्रिज है। मैं आप लोग को एक बहुत ही हैरत अंगेज चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे आप लोग देख सकते गाड़ी चल रही है, तो ये स्कूल पूरी तरह से भर देते हैं। आप लोग यहाँ पे तार वगैरह को देख के नोटिस कर रहे हैं, आप लोग को दिखाता हूँ कि कोई भी गाड़ी वगैरह जाती है तो पूरा पुल जो है वाइब्रेट करता है, कंपन करता है, ऐसा लगता है पूरा पुल हिल रहा है। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि हावड़ा ब्रिज जो है कोई भी पिलर पे नहीं है, सिर्फ ये तार पे लगाया गया है पुल। तो वो हम लोग आपको दिखाएंगे सारा कुछ, और क्या करने के लिए हम लोग कोलकाता आए हैं वो भी आप लोग को सारा कुछ पता। फाइनली गाइस हम लोग स्टेशन से जो होटल आ चुके, बहुत सर्च करने के बाद हम लोगों को एक होटल मिला जो कि बहुत ही अच्छा होटल है। तभी हम लोग यहाँ पे स्टे किए हैं, इसका क्या रेंट लगा ये सारा कुछ आप लोगों को बताएंगे। तो ये इस प्रकार का कुछ होटल है, और यहाँ पे बेड भी बहुत अच्छा, हम लोग दो ही लोग हैं तो इतना रूम बहुत ही कंफर्ट में हम लोग हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे टॉप फ्लोर पे हैं। यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ पे कोलकाता का आप लोग को यहाँ पे सिटी देखने को मिलेगा। यहाँ पे विंडो से आप लोग को ये ऐसा कुछ यहाँ का व्यू है। और इस होटल का मुझे ज़्यादा नहीं पड़ा, सिर्फ 1500 रुपये में मैंने ये होटल गाइड लिया। ऐसा कुछ होटल, यहाँ पे टीवी वगैरह है और बाथरूम भी अटैच है, तो ऐसा ही कुछ होटल है। तो अभी हम लोग थोड़ा यहाँ रेस्ट करेंगे, उसके बाद 12 या 1 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं टैक्सी में बैठते हैं, चलिए आप हम लोग टैक्सी में बैठ चुके हैं कोलकाता की टैक्सी फर्स्ट टाइम। तो चलिए चलते हैं। Don't wanna
wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't. हाँ गाइस, तो अभी हम लोग यहाँ पे कोलकाता की वेलोर टैक्सी में बैठ चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत सिर्फ आपको कोलकाता वेस्ट बंगाल में ही देखने को मिलेगा, प्रॉपर कोलकाता में ही। तो आज हम लोग उसी का एंजॉय ले रहे हैं यहाँ पे बैठ कर। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं जू जाएंगे या मलिक बाजार जाएंगे, सारा कुछ आप लोग को दिखाएंगे। थोड़ा बहुत काम है मलिक बाजार में, गाड़ी का पार्ट वगैरह था, तो वो हम लोग देखेंगे क्या क्या लेना, वो भी आप लोग को दिखाएंगे। बाकी यहाँ से आप लोग देखते रहिए कुछ। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्राउंड है, ग्राउंड में बहुत लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, तो हम लोग भी हो सकता है तो जाएंगे, ऐसा कुछ यहाँ पे कोलकाता का व्यू है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को मलिक बाजार ले जाया हूँ। आइए आप मलिक बाजार में, जाते हैं शॉपिंग के लिए, हम सामान खरीदें, वो आप लोगों को भी हाँ। हेलो, देखिए पुली है, देखो दो पाइप दिया हुआ है, सेक्शन ओवरफ्लो का पाइप दिया हुआ है। इसको निकालिए बाहर, अब हम निकाल फिल्टर जाली है तालाब उलाब में। हाँ समझ गया, बाउंड में फेंकता है ना आदमी, अरे यहाँ ये लगता है भाई मेरे, यहाँ ये लग जाएगा जाली है, इतने आता है। हाँ कुछ नहीं, नहीं भी लगाइएगा तो भी चलेगा। देखो यहाँ मोबिल देने का, यहाँ पर इंडिकेटर है, 750 ग्राम मोबिल चले पड़ेगा इसमें, ठीक है। देखो ये नट है पुली का, इसको एसी है, देखो यहाँ सब है ना, एक्स्ट्रा किट है, एक्स्ट्रा किट भी दिया हुआ सब, बहुत सा निकाल लेता है एक्स्ट्रा किट, फिर खरीदने आओगे तो 250-300 रुपया मांग लेगा। अभी तुम्हारा सामने सील खोल है, चाबी यहाँ लगेगा। देखो हेलो गाइस, तो अभी हम आप लोग स्टेशन आ चुके हैं, कुंभ एक्सप्रेस पकड़ के हम लोग जाएंगे यहाँ से क्यूब, तो देखते हैं यहाँ पे सामान ले लिया स्टेशन पे, चलिए ट्रेन पकड़ते, 1 बजे हमारी ट्रेन है। दोस्तों हम लोग यहाँ पे ट्रेन पे बैठ चुके हैं कुंभ एक्सप्रेस पे, यहाँ से अब हम लोग चलेंगे डायरेक्ट क्यूब से, हम लोग ट्रेन पकड़ के जाएंगे सुल्तानगंज। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे मनीष भाई अभी बैठ चुके हैं यहाँ पे, तो कहाँ जा रहे हैं हम लोग, भागलपुर। तो यहाँ से पहले क्यूल जाएंगे उसके भागलपुर। तो यहाँ देख सकते हैं ये कुछ हावड़ा है, तो हम लोग यहाँ पे हावड़ा छोड़ चुके हैं, ऐसा ही कुछ हावड़ा है। तो चलिए अब चलते हैं घर, उसके बाद आप लोगों को सारा कुछ दिखाएंगे, ताकि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि हम लोगों ने जो सामान परचेज किया था वो सारा कुछ आप लोगों को घर जाके हम लोग दिखाएंगे। हाँ गाइस, तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि हम लोग सारा सामान वहाँ पे ले आए, टोटल हम लोग को 35,000 का सारा सामान पड़ा, जिसमें कि पंप पड़ा हम लोगों को 5,000 का, मोटर पड़ा 7,000 का, और वैक्यूम क्लीनर पड़ा 6,000 का, और फोम वाशर पड़ा
हम लोगों को 1500 ऐसे कुछ मिनिमम सब ये सब दाम है कम से कम में हम लोगों ने लिया। और ये कहाँ लिया ये भी आप लोगों को मैं बताता हूँ, मलिक बाजार में मैंने सारा सामान लिया जो कि बहुत ही बड़ा कार बाइक ये सब का मार्केट है। तो आप लोग भी चाहे तो वहाँ से ले सकते हैं या फिर मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइज मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तो अलविदा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।